आप लोगों को लगाओ से पता लग दो कि आप लोग कितना जुड़िया छन एक प्रवास में रह के भी अपनी कल्चर अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं से। जय बद्री विशाल तास फन टीवी नई ब्लॉग में सभी स्वागत है। तो आज मैं पहुंच गयो 10th यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड छ जो होना चाहिए दिल्ली में दिल्ली कैंट में यहाँ एक ऑडिटोरियम से तो वह खे चौ मैं तभी 2 दिन पहले डिटेल्स मिली एक शोभा दीदी से जो हमारे सब्सक्राइबर से और मतलब ब्लॉगिंग चैनल भी शोभा नॉटियल ब्लॉग तो उन्हें मेरे को मतलब भेजा यंग डिटेल्स। अब बाद में पता चली कि जो समिति मेंबर छे वो मेरे नानी गाँव की छे तो उनकी फोन आगे चाहिए तो मैं पहुँच गया यकम जरा मैं यकम दिखा चाहो आपते पहाड़ी ढोल डमोक अरे पैथर आपते मैं पोस्टर दिखाई दें दो तो मोस्टली यो अवार्ड मिल दो जो उत्तराखंड सिनेमा में काम करना चाहिए जो अच्छा सिंगर छ मतलब अच्छा सिंगिंग करना चाहिए या अच्छा अभिनय करना चाहिए मतलब उत्तराखंड को अपन भागीदारी देना चाहिए तो अभी मत्थी 4th फ्लोर में होना चाहिए अवार्ड शो और ताल अभी मैं आपते पहाड़ी ढोल वगैरह दिखा दें दो ताकि आप लोगों को जरा मजा आ जाए जरा पर उत्तराखंड की याद आ जाए। तो बाकी जैसे पहाड़ी मतलब बैंड बाजा चेन हो तो ये नंबर हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कमी नंबर भी दी हुए और आप जो बैंड का नाम चो नाम भी दी हुए तो कखी भी आप सही मतलब हर जगह आप अवेलेबल रहने ना। हाँ जी चाहे दिल्ली वा देहरादून हाँ सब जगह अवेलेबल। धन्यवाद आपका तीन आले कैंस ने यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2022 और अभी जानते हम 4th फ्लोर में आज दिखा चो मैं आपसे पूरा अवार्ड तब है कि मैं मत ऑडिटोरियम से मिले और यह खूब ही चकाचक भीड़ तो दिखा चो मैं आप तैयार तो ही ना होना चाहिए यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स या कम बट एंट्री से तो ही ना मम्मा जी से ना मारे मैं नैनी गाँव से तो मम्मा जी जरा मैं ग्रीन रूम एक्सेस दिलाना चाहिए ताकि मैं सभी लोगों से आप बिल्कुल हाँ सभी लोगों से मिले चलो तो धन्यवाद मामा जी थैंक यू बच्चा सभी को स्वागत यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2022 और ये वक्त एक बात जरूर मन चाहू छो अपना उत्तराखंड का वास्ता और जगह बारे में आज सारा कार्यक्रम में आप लोगों का दगड़ी समय मिलने पर जरा जरा छुई बता भी लगा चोलो कि धन्य च उत्तराखंड धन्य उत्तराखंड संस्कृति चा धन्य छन उत्तराखंडी जन और धन्य च हमारी परंपरा। ये सभागार ये भगत उपस्थित मेरा दाना सयाना मेरी दीदी भोली दिशा ध्यान मेरा जान जमान दगड़िया और उत्तराखंडी संगीत प्रेमी मी जना अधेड़ उम्र का मेरा दगड़िया सभी ते मेरी तरफ बटी एकदम फिर सेवा सौगी प्रणाम पहला Yeah.
सर्वश्रेष्ठ गीतकार के विजेता प्रहलाद मेहरा जी गीत संगीतकार के नॉमिनीज हैं शुभकामनाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ संगीतकार गीत आस के ईशान डोभाल और सॉन्ग एक और गीत है भामा मेरी गुल्लन डलवा ये सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग डायरेक्टर को जो अवार्ड छे ये जालो डायरेक्टर गोविंद देवी और गीत छे ऐ मेरा आखन डोरा Thank you.
गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से, सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, और दादू पहाड़ों पर ये गम मारे खून में बसा, वादियों में ले कुछ अलग ही नशा, अब सुन ये ठसाया पे उठती ये हवा, दूर जाना पड़े तो निकल ये ही बसा, बचपन में माँ होगी बेटा थोड़ा तेज, सोचा तो पेश करके बढ़ना सीधे साधे दिल दे, पर असर ना हुआ तेरे जैसे होती कहीं तो ले गया अपनी फीलिंग से रेखे में तूफानों से, जो 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 मैंने जो गले कंदूरी जो मैंने जो मैंने आप लोग सब लोग अपनी लोक भाषा और अपनी संस्कृति से आप लोगों को लगाओ से पता लग दो कि आप लोग कितना जुड़िया छन एक प्रवास मान रहे कि भी अपनी कल्चर अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं से। और हम बार बार ये निवेदन कर दें कि आप अपना पहाड़ से अपनी संस्कृति से जुड़िया रहा अपनी परंपराओं से भेटना रहा, ताकि यो बच्चा यो ये बच्चा प्रोत्साहित हो और यो बच्चा आपका वास्ता गीत गाऊँ, आपका वास्ता फिल्म बनाऊँ, आपका वास्ता नृत्य करूँ। अगर आप लोग इन्हें ई संख्या में लगातार आना रह जाए ये उन्हें प्रोत्साहित करने को प्रांतों का लोग भी जाना ला के उत्तराखंड में गीत नृत्य की लोकगीत लोक नृत्यों की अपनी एक पहचान से और ये वहाँ धीरे धीरे क्वालिटी की भी बात आ कई बार तो वे परे भी कई बार चर्चा होगा कि कंठ बहुत सुंदर आना छ नए बच्चों का आवाज बहुत सुंदर छ लेकिन कभी कंटेंट की कमी की भी शिकायत आना और कि भाई गीतों में को वो स्तर जो च बहुत कम गीतों में वो स्तर नजर आंद लेकिन ज़्यादातर गीत जो छन वो बहुत ही जल्दबाजी में लिखा और गया छन ये शिकायत भी आंदी। तो मेरे अपनी भी मानो च कि समय का साथ साथ ये कलाकार ही खुद तय करो लो कि वे थे कना गीत लिखना चाहन और वे थे कना गीत गाना चाहन तो समय का साथ साथ ये बात भी आ गई और वे सबको कि वे समय का आन आन तक मेरे तरहों का बाल भी सफेद हो जाऊँ तो लेकिन क्वालिटी जरूर आ गई। जब संख्या ज़्यादा होंगे हमारे जमाना में बहुत कम लोग चाहे क्षेत्र में हमसे पहले चंद्र सिंह राय जी छा वे से पहले जीत सिंह नेगी जी छा और आपका मोहन उप्रेती विजय लाल शाह जी और वे के बाद गोपाल हीरा सिंह जी गिरदा और ये बहुत सारा लोग छा लेकिन अंगदेव वहाँ गिरने लगे कलाकार छा गढ़वाल और कुमाऊँ वहाँ लेकिन जब कैसेट को युग आई कैसेट को जमानो आई तो फिर धीरे 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 बच्चा सुन सुनी थे इतना प्रोत्साहित बनी कि आज बहुत बड़ी संख्या में गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार वहाँ गायक पैदा हुएगी नहीं। और नया बच्चा सबसे अच्छी बात ये लगनी है कि नया बच्चा भी अपनी लोक भाषा लोक संस्कृति से बड़ी शिद्दत से जुड़ा छ नया नया प्रयोग करना छ। और आप तो अगर फेसबुक या ऑनलाइन ये सोशल मीडिया का टच में होला तो आप थे पता लग लो कि लोग कितनी बड़ी संख्या में ये गीत हैं सुना छन और यो कलाकारों को हौसला बढ़ाना छन। तो मैं यो सब थे
सब कलाकारों थे जो एक मंच में परफॉर्मेंस दे जो आज यो अवार्ड ग्रहण करे जो थे यो पुरस्कार मिले उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई दे दूँ और भविष्य की शुभकामना दे। जय उत्तराखंड। तो अभी सबसे बढ़िया बात की हुई है कि मैं जन वीडियो बनाना चाहे ना ऐतर बटे तो भैजी हमारे मतलब जो पूरी टीम चेक फोटोग्राफी टीम पूरी काम करनी चाहिए और 10 साल बटे दगड़ जुड़े आ जाने तो समिति दगड़ भी जुड़े आ जाने और एक मतलब फोटोग्राफी काम भी दिखना चाहे ना तो बहुत बढ़िया बात है कि अपर संस्कृत दगड़ भी जुड़े आ जाने और वहाँ ऐतर बाना काम भी करना चाहिए। धन्यवाद अभिनव भैजी। धन्यवाद। मैं छोटे बोला मेरा नाम अभिनव सयाल छे मैं तोली मेहर गाँव नाम और मैं बुलक ब्लॉग बहुत देखूँ और मैं तो बहुत अच्छा लगे बुला हमारे आए और हम थे मतलब हमारे इवेंट थे कैप्चर कर रहे बहुत बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। और मैं यार भाई मतलब ब्लॉग आप देखना रहे हो तो वो भी व्यूवर्स ही हो और सब्सक्राइब भी करो और बुला थे जद जद गए सके तो और सपोर्ट करो। बिल्कुल हमने बहुत अच्छा काम करो बुला ना ना बिल्कुल कि हम मतलब दिल्ली बैठे का बड़ घर देख सकते कम से कम ये के माध्यम से हम तो घर जा नहीं सकता और छोट बुला हमारे काम करो तो वे थे देख देखे और हम तो प्रेरणा मिलन की हम घर जो ना अच्छा लगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे मिली करने की आप ही ना भी यहाँ पर समिति दगड़ दुनिया जा उत्तराखंड कल्चरल दगड़ दुनिया। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। तो देखे लो अपन उत्तराखंड सिने अवार्ड्स पूरे नहीं दिखा सको कि लेकिन थोड़ा समय भी अभाव देखा कि और भी जाना तो अभी मैं दूसरे पार्टन दिखा चु आप ही जो जरा एक मतलब लोक कलाकार रहे हैं ना तो वो तो मिलान चो जरा हूँ दगड़ जरा गपरोड में चला गई ब्लॉग में ये ब्लॉग में जरा मेरे परफॉर्मेंस में ज़्यादा ध्यान दिया तो कि लेकिन जरा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा चाहिए तो पब्लिक तो नहीं मिल सकना चाहिए इतना ज़्यादा ताकि ब्लॉग में मिलान चो बैक स्टेज जो कलाकार से नंबर ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें जो चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें मिलता चाहिए ब्लॉग में तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि।